हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि गैलरी कैसे बनाते हैं। तो HTML में गैलरी बनाने के लिए पहले इमेज चाहिए होंगे हमें, तो हम img नाम के फोल्डर में हम इमेज स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में से मैं यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ, क्योंकि इमेज लेनी ज़रूरी है, उसके बिना गैलरी हमारी बन नहीं सकती। यहाँ से मैंने इमेज ले लिए, अब मैं HTML प्रैक्टिकल है उस फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर 5 इमेज ले लिए, तो इसको हम गैलरी में रखेंगे। तो उसके लिए पहले हमें gallery.html बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोटपैड में सेव gallery.html और यहाँ पर मैं ऑल फाइल करके सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर html का स्ट्रक्चर लिखना है। यहाँ पर html ओवर, और जो हमने पहले फाइल बनाई हुई है div.html उसका स्ट्रक्चर पहले कॉपी कर देते हैं, क्योंकि ये हमें उसी डिज़ाइन से बनानी है। ये कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पर gallery.html को रन करता हूँ। तो हमारा gallery.html रन हो रहा है। हमें ये कंटेंट नहीं चाहिए, तो कंटेंट हम डिलीट कर देते हैं gallery.html में से। ये div पूरा निकाल देते हैं, क्योंकि हम नया div बनाएंगे। अब हम यहाँ पर div बनाएंगे गैलरी का। तो div id इज इक्वल टू गैलरी div ओवर, और उसके अंदर हमें इमेज रखनी है। तो यहाँ पर इमेज रखने के लिए img src इज इक्वल टू यहाँ पर इमेज का पाथ। इमेज का पाथ कैसे रखना है, अब हमारी इमेज img नाम के फोल्डर में रखी हुई है। तो यहाँ पर फर्स्ट फोल्डर नेम स्लेस इमेज का नाम, तो यहाँ पर इमेज का नाम ले लेते हैं .jpg, उसका एक्सटेंशन है। यहाँ पर एक्सटेंशन .jpg है। तो यहाँ पर img src इज इक्वल टू img फोल्डर का नाम और इमेज। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर जो इमेज है उसकी हाइट विथ बड़ी आ रही है। उससे पहले हमें div की प्रॉपर्टी सेट करनी होगी। तो यहाँ पर css में जाते हैं, style.css में चले जाते हैं। style.css में यहाँ पर हम गैलरी का div ऐड कर देते हैं, गैलरी उसके अंदर प्रॉपर्टी हाइट विथ और बैकग्राउंड कलर। हाइट मैं यहाँ पर ऑटो रखूँगा, क्योंकि जितनी इमेज मैं ऐड करूँ उतनी इमेज मुझे शो होनी चाहिए। उसके बाद विथ 960 पिक्सल और मार्जिन 0 ऑटो, इतनी प्रॉपर्टी हमें लगानी होती है डिव को सेंटर में लाने के लिए। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कि डिव का नाम सेम है कि नहीं। यहाँ पर जो डिव का नाम है वही डिव का नाम यहाँ पर होना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ, ओके। यहाँ पर मार्जिन का स्पेलिंग रॉन्ग है, तो यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ पहले, मार्जिन 0 ऑटो। अब रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पर इमेज बीच में आ गई है, लेकिन इमेज की हाइट विथ बहुत है। तो यहाँ पर इमेज की हाइट विथ हमें सेट करनी होगी कि हमें कितनी हाइट विथ रखनी है। तो यहाँ पर हम इमेज में ही हाइट विथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पर हाइट रखनी है हमें, तो मैं यहाँ पर 150 पिक्सल रख देता हूँ, और विथ हमारी है वो भी 150 पिक्सल। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर इमेज हमें 150 पिक्सल में दिख रही है। अब मैं यही इमेज का जो टैग है उसको कॉपी पेस्ट करते जा रहा हूँ। इतनी बार मैंने इमेज कॉपी पेस्ट की, तो इमेज यहाँ पर देखो एज अ गैलरी हमें दिख रही है। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ H1 से गैलरी, यहाँ पर H1
H14 और यहाँ पर गैलरी। तो यूजर को दिखे कि ये गैलरी है। यहाँ पर जितनी भी हम इमेज रखेंगे हाइट ऑटो होती जाएगी। मैं यहाँ पर इमेज को फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर दूसरी नीचे इमेज आ गई है। तो इस तरह से हम गैलरी बना सकते हैं। अब क्या करना है हमें, गैलरी में इमेज जो है उसके ऊपर लिंक देनी है कि अगर उस इमेज पे क्लिक करें तो वो इमेज ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमें ए टैग लगाना होगा, क्योंकि लिंक बनाने के लिए यहाँ पर एंकर टैग है AHREF = यहाँ पर ए टैग स्टार्ट करना है और इमेज को हमें ए टैग में रखना है। तो ए टैग लास्ट में ओवर करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर जो इमेज का पाथ है वो इमेज का पाथ यहाँ पर रख देना है, क्योंकि हम लिंक जब भी क्लिक करेंगे तो वो इमेज ओपन होगी। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर लिंक दिख रही है, उस पर क्लिक करूँगा तो वो इमेज आ गई है। अब उसी तरह से दूसरी इमेज में हमें लिंक सेट करनी हो तो यहाँ पर ए टैग HREF = यहाँ पर दूसरी इमेज का नेम। तो यहाँ पर वही इमेज हमने रखी हुई है तो वही पाथ दे देते हैं। अब दूसरी इमेज में भी हमें लिंक दिखाई देगी। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी इमेज जो है वो फुल स्क्रीन में ओपन हो रही है। इस तरह से हम सारे इमेज में लिंक दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ए टैग ओवर नहीं किया तो उसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखो सब में लिंक आ रही है क्योंकि हमने ए टैग ओवर नहीं किया है। तो हम ए टैग यहाँ पर ओवर कर देते हैं। यही चीज़ है कि हमें टैग बंद करना है, क्योंकि टैग नहीं बंद करेंगे तो आगे जाके यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखो यहाँ पर यहाँ से जितने में भी ए टैग यूज़ किया हुआ है वहाँ पर लिंक आ रही है, दूसरे में लिंक नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम गैलरी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।